हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी तो आपकी अच्छे से चल ही रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है जिपमर की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, जिपमर यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से ये आपकी भर्ती रहेगी। इसके अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों को कंबाइन करके भर्ती निकली है। टोटल पोस्ट आपका 209 रहेगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के रिगार्डिंग, जो कि होती है ग्रुप सी की पोस्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में सारी की सारी जानकारी, लेकिन अगर आपको अप्लाई करने का लिंक चाहिए या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सारी पोस्ट के लिए जो अप्लाई डेट रहेगी सेम ही है, 19 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होगा, लेकिन ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है तो आपको अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है कि 19 अगस्त तक टाइम है तो आराम से फॉर्म भरेंगे। बाद में क्या होता है ना कि गैदरिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा सर्वर प्रॉब्लम होने लगता है। एग्जाम डेट भी सारी की सारी पोस्ट के लिए सेम ही डे पर एग्जाम होगा, 14th of September यानी 14 सितंबर के दिन आपका एग्जाम होगा। एज लिमिट एज और 19th of August 2024 यानी कि 19 अगस्त 2024 के अनुसार एज कैलकुलेट होगा। देखिए, मिनिमम एज तो 18 वर्ष सारे पोस्ट के लिए, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए ना अलग अलग एज लिमिट है। तो इस पोस्ट का देख के आप ये मत सोचिएगा कि मैक्सिमम 30 वर्ष ही है, 30 से 35 वर्ष है, 25 से 35 वर्ष, तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है। आप अपने पोस्ट के अनुसार नोटिफिकेशन में देखेंगे उसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट और बाकी की जो एक्सपीरियंस वगैरह है सब मिल जाएगा नोटिफिकेशन के अंदर। इस पोस्ट का तो मैंने बता दिया 18 वर्ष से 30 वर्ष, साथ के साथ रिलैक्सेशन आपको मिलता है एज में, ओबीसी को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। आगे अगर बात करें कि व्हाट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड उसके साथ और भी कुछ नॉलेज चाहिए होगा क्या, जी हाँ मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, क्वालिफिकेशन 10+2 पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मतलब कि जिन्होंने भी 10+2 यानी कि इंटर पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, डजंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ना टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में भी आपको टाइपिंग आती है तो ये इनफ है आपके लिए। चलिए आगे बात करेंगे व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन उससे पहले बता दूं कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी क्या लगेगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू से 1500 यानी 1500 रुपया लिया जाएगा, और वहीं पर SC ST कैटेगरी वालों से 1200 यानी 1200। बाद में आपको बताऊंगी यहाँ पर जो मैंने लिखा है सैलरी और जॉब लोकेशन, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसी सैलरी पाने के लिए आपको किस किस स्टेज से होके गुजरना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत ही सिंपल है, बाकी के जितने भी पोस्ट हैं ना उसके लिए बस ऑनलाइन एग्जाम होता है, DV और मेडिकल होता है, लेकिन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए मैंने पहले ही बताया था कि टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो इससे साफ होता है कि आपका स्किल टेस्ट होगा। पहले स्टेज पर सिंगल स्टेज एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा यानी टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, देन आपका मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ज्वाइनिंग लेटर आपको भेज दिया जाएगा। चलिए ज्वाइनिंग लेटर की तरफ बढ़ाएं अपना पहला कदम। एग्जाम ऑनलाइन होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं फॉर 400 मार्क्स, विच मीन्स कि पर क्वेश्चन मिलते हैं 4 मार्क्स। टाइम रहता है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग 1 रहता है। सब्जेक्ट वाइज बताते चलूं, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, मैथमेटिक्स यानी कि गणित के भी 25 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, लास्टली इंग्लिश के 25 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। तो ये एग्जाम पैटर्न है, देखिए ज़्यादा टफ नहीं है। नॉर्मली अगर आप SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसी में इसका भी तैयारी हो रहा है। क्या है, सिंपल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS। तो जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो सब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा होगा। 25-25 प्रश्न, ज़्यादा लेवल इसका टफ नहीं होगा, ठीक है ना, CHSL लेवल का इसको मान के चल सकते।
सकते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर की एक बार सेट उठा के सारे क्वेश्चन के साथ आप डील कर लो। इसका सिलेबस भी मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो सिलेबस भी आप अच्छे से वॉच करना, फिर जाके तैयारी करना अच्छे से, ठीक है। चलिए, जब एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे आप अच्छी तैयारी के साथ, तब आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग का टेस्ट होगा। पहले ही बताया कि कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी में अगर आप टेस्ट देंगे तो कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड चाहिए होगा, इंग्लिश में कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट। प्रैक्टिस करेंगे, हाई स्पीड होगा तो अच्छा रहेगा कि हाईली प्रीफर आपको ही किया जाएगा। देखिए, स्किल टेस्ट के बाद डीवी एंड मेडिकल सा होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ज्वाइन करेंगे तो सैलरी क्या रहेगी, देखिए शुरुआत में ही आपको मिलती है 40,000 यानी 40,000 सैलरी, बाद में सैलरी बढ़ते बढ़ते 80,000 के तकरीबन हो जाती है। और देखिए, ये है तो एक मतलब इंस्टीट्यूशन जिपमर, लेकिन सरकारी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली ग्रुप सी की भर्ती है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी पांडिचेरी हो जाती है, यानी कि आपको पुडुचेरी में जाके जॉब करना है, जहां पर बहुत सारे लोग वेकेशन के लिए जाते हैं वहां पर आप जॉब करने के लिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस ना करें। इसके रिगार्डिंग मैंने सारी की सारी जानकारी आपको दे दी। आप भी कुछ पूछना है तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से अवगत करा देना ताकि उनको भी जॉब की अपडेट मिलती रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑल पे सेट करके जाना आप, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलोंगे फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।